सर्जन भाई का न्यू कैबिनेट हाउस पर पहुंच चुका है। कुछ भाई लोग यहां पर देख सकते हैं, कहीं जाने का तैयारी कर रहे हैं। कहां जा रहे हैं भाई लोग आप लोग? बेलाटार। मतलब हम लोग का एरिया से ही ज्यादा बुकिंग आता है का आप लोग का? हाल फिलहाल में ही नगड़ी तरफ। तो कैसा रहा उधर का प्रोग्राम आप लोग का? ये क्या सेटअप किस तरह का जा रहा है इसमें गाड़ी में? नगड़ी में जैसा बनाया था। मतलब क्या क्या इसमें दे रहे हैं? ये तो 40 KV का जनरेटर है ना, कितना का है? 82। अरे यार हाँ, वो हम लोग वाला था उसमें 40 बोल रहे, इसमें ज़्यादा है ना। कितना जाएगा इसमें साउंड स्पीकर? 8 वो डबल बेस 8 वो। मशीन कितना टोटल लग जाएगा, कितना वाट का? 30,000 वाट। तब तो गर्दा हो जाएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, देखिए अभी इन लोग लोडिंग कर रहे हैं आप लोग को, फिर उधर कैबिनेट हम लोग का रेडी हो गया। कौन सा वो बुलाएगा? हाँ सो फ्रेंड्स, उधर काम उम चल रहा है। तो चलिए फिलहाल देखते हैं साजन भैया किधर है, अंदर में। तो चलिए सर से भेंट करते हैं पहले। ये देखिए लोडिंग हो रहा है, आहूजा कंपनी का है सामान। अरे ये देखो हम लोग साजन भैया के पास आ गए, 4 बजे ही निकले थे, और हम लोग का बीच में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम भी। तो इधर देखिए, पहले कुछ माल नहीं था उस दिन, अभी देखिए इधर कितना ज़्यादा भर गया। उस टाइम हम वीडियो इधर से बना रहे थे, इधर से उस टाइम नहीं दिख रहा था, बट अभी यहाँ बहुत सारा का स्पीकर भी आ गया। और अभी देखिए ये हम लोग को लग रहा है यही कैबिनेट हो सकता है। यहाँ माल देखिए कितना सारा है। तो चले चलते हैं, फिर आप लोग को मिलवाते हैं थोड़ा सा साजन भैया से। और अभी दिखाते हैं सेटअप कैसे तैयार होता है साजन भैया का। हाँ ये देखिए, मैं इसे बताएगा अभी अभी इसको लगाया जाएगा। पहले लोड हो गया है हम लोग का जनरेटर। कितना केवी का बोले? 82 केवी का, 30,000 वाट का मशीन उधर आगे में। और यहाँ देखिए सेटिंग किस तरह से होता है, आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर लोडिंग होता है, देख सकते हैं। एक स्पीकर को 5-5 लड़का पकड़ता है, 4-5। कितना वजन कितना होगा ये स्पीकर का? 1 क्विंटल। ओके जी, 1 क्विंटल। लास्ट हाईएस्ट कितना का रहता है वो बड़ा वाला, 4-15 ऐसा का? कितना 17 किलो एक स्पीकर का। मतलब लास्ट वेट वाला स्पीकर कितना का है? 4-15 वाला कितना का? इससे ज़्यादा होता है वेट उसका? 4-15 वाला कम है, 4-15 मतलब जो लंबाई वाला होता है फ्रेंड्स वो कम होता है। और ये वाला देखिए पूरा बोल रहा है 1 क्विंटल 100 kg। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग कैसे ये करता है। इस तरह करके 4 स्पीकर यहाँ पर लोड होगा, और काफ़ी वजनदार है, बोरा के 100 kg करके ये एक स्पीकर है ना। तो देखिए यहाँ पर लोड होगा इस तरह का, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा वजन होता है, कितना मजबूती सेटअप होता है, और बजता भी उसी तरह का है। सो चलिए अब आगे हम लोग अपना कैबिनेट लेने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरह का डीजे सार्जन का सेटअप लोडिंग होता है। और एक साथ में भाई लोग कितना रहते हैं आप लोग? 8 आदमी रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि सेटअप सिर्फ लोड हो गया और मतलब बजना चालू हो गया 2 आदमी चल गया, ऐसा नहीं। मतलब 8 आदमी क्यों रहते हैं? कभी जरूरत पड़ा खोलना वाला, किसी तरह कुछ प्रॉब्लम हुआ था ना? आगे पीछे गाड़ी हुई देखने के लिए। अच्छा, मतलब जो लोडिंग करता है वो लोग फिर अनलोडिंग भी करेगा? तो ये कुछ है यहाँ पर। तो चलिए फिलहाल आगे चलते हैं, साजन भैया सब लोग को मिलवाते हैं। भाई लोग भी अभी वेट कर रहे हैं हम लोग कैबिनेट लेने के लिए ना। तो अभी क्या कुछ उधर बताएं, सूख रहा है ना कलर? कलर किया हुआ जो जाली में कलर होता है वो। तो चलिए फिर सर्जन भैया से उसको मिलवाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। एक चीज़ आपको दिखाना भूल गए कि ये जो लास्ट स्पीकर लोड करने के लिए इसमें ये टेबल का यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल बना हुआ देख सकते हैं इस तरह का।
और ये यहाँ से लास्ट जो कि इधर से 1, 2, 3 और 3 इधर 6 हो गया 7, 8 मतलब फुल 8 स्पीकर इसमें रहेगा और इसके ऊपर फिर पार लाइट लगेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, देखिए इधर 3, 3, 4 उधर सब इधर 4, 8 तो फिर उधर से 4 मतलब लाएगा उठा के उसके बाद इधर लोड होगा। तो ये इस तरह से मतलब डीजे सेटअप तैयार किया जाता है, फुल सेटअप है ये बराती का। चलिए फिर आप लोग को टेस्टिंग भी दिखाएंगे किस तरह का बजता है। ये हो गया आपका सीन किस तरह का दिखता है। डीजे सार्जन ब्लू। सो ये लास्ट हो गया 8 जो लगने वाला है ये साइड में। काफ़ी ज़्यादा वेट है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ये देखिए ये हो गया आप स्पीकर पूरा सेटिंग, देखिए हो गया ये। और आप ट्विटर लगेंगे सब ना, तो उसके बाद लाइट, लाइट भी अभी सेटिंग होगा, लाइट भी अभी सेट होगा। चलिए ट्विटर उठा हम देख सकते हैं, 5 आदमी। ये कितना होगा ट्विटर इसका वजन, कितना होगा ये वजन? हाँ 70-80 किलो। हाँ बात तो सही बोल रहे हैं। एक क्विंटल तो बोला कि ये वाला है, 70-80 बढ़, ये लंबाई है जिसके कारण से ज्यादा लोगों का जरूरत पड़ रहा है। अच्छा हाँ पूछते हैं क्या कितना कितना वेट होगा भाई सरजन भाई, वो कितना वेट होगा ऊपर वाला, कितना वेट कितना है ट्विटर को उसका? हाँ 80 kg का, देखिए ये पूरा 100 kg का और वो मतलब 20 कम, ये लंबाई जिसके कारण से आदमी ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये देखिए पूरा रेडी हो चुका है, अब इसके ऊपर लाइट लाइट ना। हाँ ये समीर मंडल यहाँ पर फोटो ले रहे हैं, मचाने वाले धनबाद में। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर किस तरह का बजता है, सबके देखे सभी सही फोटो लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। चलिए ले ये ट्विटर चेक हो रहा है, देख देख सकते हो उधर सार्जन भैया सेटअप पर अभी ऊपर में है और वो कुछ सेटिंग कर रहे थे वहाँ। आप देखिए बजता है कैसा, देखते हैं।
गया टेस्टिंग। सो फाइनल फ्रेंड्स, यहाँ पर टेस्टिंग हो चुका है, अब ये जाएगा सेटअप। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर टेस्टिंग हो गया था, लाइव टेस्टिंग अभी तक हम लोग नहीं सुने थे, बट कैसा लगा भाई बता? बहुत अच्छा लगा। कैसा बेस्ट है? मतलब ये फर्स्ट टाइम सुने सेटअप का, और पूरा मतलब माइंड पूरा झनझना दिया, इतना हार्ड भाई। अच्छा, और भी लोगों से पूछते हैं यहाँ पर, देखिए कैसा लगा भाई अभी सेटिंग, सेटअप बज रहा था, कैसा लगा? ये लोग तो अच्छा लगा ना, ठीक लगा भाई? हाँ भाई। देखिए समीर, कैसा लगा अभी सेटअप जो बज रहा था? सुने में हाँ हैवी हैवी लगा, दिल खुश हो गया, दिल खुश, मजा आ गया, दिमाग झनझना दिए, मूड गरम कर दिया तो पूरा। चलिए तो अभी ये जाने वाला है, तो चलो भाई लोग थोड़ा सा बाइक कर दीजिए आप लोग, काफ़ी मेहनत किया है ये लोग सबको, सर्जन भैया का जितने भी है यहाँ पर, इन लोगों के सहयोग से ये सेटअप पूरा तैयार हुआ था, बहुत ही अच्छा बजाया अभी। और चलिए बाय बाय कर दो भाई लोग, बाय कर दो महेश, देखिए वही बजा रहा था अभी महेश है ऑपरेटर। सो चलिए ब्लॉग कहीं पर एंडिंग करते, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बाय बाय।